नमस्कार, मैं नितीश राय। रामनवमी की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, आज रामनवमी के शुभ अवसर पर मैं एक बहुत ही अच्छी कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी। जी हाँ, वो कहानी का हेडलाइन है शिव चर्चा। जी हाँ, जो शिव गुरु पे है, महादेव पे है, महाकाल पे है। शिव चर्चा की जो कहानी है, भगवान भोलेनाथ की जो कहानी है, बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए मैं सीधे कहानी पे आता हूँ बिना समय को गंवाते हुए। प्राचीन काल में एक महाप्रतापी राक्षस रहता था जिसका नाम भीम था। वह अपनी माता के साथ में रहता था और वह महाप्रतापी राजा, राक्षसों का राजा रावण का छोटे भाई कुंभकर्ण का बेटा था। जी हाँ दोस्तों, वह कुंभकर्ण का बेटा था। जब भगवान राम द्वारा कुंभकर्ण का वध हुआ तब उसका होश भी नहीं था, तब बहुत छोटा था। लेकिन जैसे जैसे वो युवा हुआ तब उसकी माता ने उसे सारी बातें बताई कि कैसे उसके पिता का वध हुआ, कैसे भगवान श्री राम ने उसका वध हुआ। इन सारी बातें सुनकर बहुत ही क्रोधित हो उठा भगवान राम के प्रति और वह बहुत सारी अजीब अजीब यातनाएं सोचने लगा भगवान श्री हरि भगवान राम को मारने का। मतलब उसे बताया गया कि वह विष्णु भगवान के अवतार श्री राम थे। उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की मारने का। इस कोशिश में जब उसे पता चला कि ऐसे तो हम भगवान विष्णु को मार नहीं सकते हैं, भगवान श्री राम को मार नहीं सकते हैं या फिर हरा नहीं सकते हैं, तो उन्होंने एक योजना बनाई। वह उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया। हजार वर्षों की तपस्या की भगवान ब्रह्मा की तपस्या की और इतने कठोर तपस्या की, भगवान भी खुश हो गए। उसके तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे एक वरदान दिया लोक विजय का, और यही वरदान के चलते उन्होंने धरती पर पूरी त्राही त्राही मान कर कहर बरसा दिया। जब धरती वालों को प्रसन्न कर दिया तब उनका दिमाग आया देवी देवताओं पर। उन्होंने देवी देवताओं पर ही आक्रमण किया। महाप्रतापी राक्षस भीम ने देवलोक से इंद्र, जितना देवी देवता थे, सारे को भगा दिए। उन्होंने श्री हरि को भी परास्त कर दिया युद्ध में। जब इन सारी घटनाएं घट गई पूरी, तो सारे ऋषि मुनि देवी देवताएं भगवान भोले शंकर के पास गए। जी हाँ, भगवान भोले शंकर के पास गए और भगवान भोले शंकर को सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ, इतना इतना कष्ट हुआ। उन्होंने ये भी बात बताई कि आपके भगवान भोले शंकर के बहुत बड़े भक्त को उन्होंने बंदी बना के रख लिया। जब उनकी बातें भगवान शिव को पता चला तो वो क्रोधित से आग बबूला हो गए, पूरा क्रोधित हो गए, क्रोधित हो गए। उनके सारे भक्तों को बंदी बना लिया गया, तो भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि तुम निश्चिंत होकर जाओ, हम उसको भस्म कर देंगे राक्षस को। तो सारे ऋषि मुनि घर आ गए। अब तो बहुत किस कुशली होने वाला है सारा कुछ। जब उसने भगवान भोलेनाथ के भक्त सुदक्षिणा को कैद कर लिया, उस पर अत्याचार करने लगे, तो सुदक्षिणा ने भी जहाँ उसको कैद किया था वहीं से भोलेनाथ का जाप करने लगा, तपस्या करने लगा। अचानक सा जब उसने अत्याचार कर रहे थे भीम ने, अचानक से भगवान भोले शंकर साक्षात प्रकट हो गए सुदक्षिणा। और जब प्रकट हो गए तब उन्होंने भीम को भस्म कर डाला। दोस्तों, ये कहानी बहुत छोटी है बट हमें बहुत कुछ सिखाती है। पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अधर्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो धर्म के सामने, सच्चाई के सामने कभी टिक नहीं सकता। इसीलिए हमें कभी सच्चाई की मार्ग नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग था। दूसरा भाग मैं दूसरे वीडियो में लेके आऊँगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये कहानी आपको अच्छी लगी, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ बहुत सारी सुंदर सी कहानियाँ निकल के। तब तक आप अपना अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।